किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि के क्षेत्र में सभी का सहयोग जरूरी है। कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको कृषि संबंधित कई जानकारियां देते हैं, जैसे कि मछली पालन, पशुपालन, बागवानी, साथ ही कृषि आधारित विभिन्न रोजगार के संबंध में भी आप जानकारी लेते हैं। तो आइए आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं खबरें खेती की और मंडी भाव। नमस्कार किसान भाइयों, खबर खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश और आज की मुख्य खबरों पर डालते हैं एक नजर। कृषि क्षेत्र वृद्धि दर 3% की उम्मीद, 92 लाख हेक्टेयर में रबी बुआई पूरी, चने को तना बिगलन रोग से बचाएं, बकरी पालन से अधिक मुनाफा और फसलों को पाले से बचाएं। खरीफ सीजन में कम कृषि उत्पादन के कारण इस क्षेत्र की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2014-15 में घटकर करीब 2.5-3% रह सकती है। ये पिछले वित्त वर्ष की वृद्धि दर 4.5% से कम है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भी इस क्षेत्र की वृद्धि दर घटकर 3.2% रही थी, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 5% थी। अप्रैल जून तिमाही में वृद्धि दर 3.5% थी। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन के उत्तरार्ध में बारिश हुई, लेकिन ये पहले की कमी की भरपाई के लिए पर्याप्त नहीं थी। देश के करोड़ों किसानों की जीवन रेखा माने जाने वाला दक्षिण पश्चिम से मानसून 4 महीनों के सीजन के पहले 45 दिनों में 40% से ज्यादा कम रहा था। हालांकि इसके बाद इसमें तेजी से सुधार आया, जिसकी बदौलत ही सितंबर में समाप्त सीजन तक कमी घटकर 11% के करीब रह गई। प्रदेश में इस वर्ष रबी फसलों की बुआई गत वर्ष की तुलना में काफी पीछे चल रही है। कृषि संचालनालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी तक 92 लाख हेक्टेयर में रबी फसलें बोई गई हैं, जो पिछले साल से 12 लाख हेक्टेयर कम हैं। सबसे अधिक बुआई गेहूं की 47 लाख हेक्टेयर में हुई है। सिंचित एवं धान वाले क्षेत्रों में अभी भी गेहूं की बुआई की जा रही है। हालांकि पिछले साल की अपेक्षा अभी गेहूं की बुआई 5 लाख हेक्टेयर कम है। गेहूं बोनी का लक्ष्य इस वर्ष 60 लाख हेक्टेयर रखा गया है। चना की बुआई 27.5 लाख हेक्टेयर में हुई है। मसूर 5.2 लाख हेक्टेयर, मटर 2,78,000 हेक्टेयर एवं राई सरसों की बुआई 6,69,000 हेक्टेयर में की गई है। अलसी 1,11,000 हेक्टेयर में बोई गई है। इस वर्ष शुरू से ही ज्यादा तापमान एवं कम बारिश से खेतों में नमी के अभाव के कारण रबी बुआई प्रभावित हुई है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार अब प्रदेश में ठंड पड़ना शुरू हो गई है, जो रबी फसलों के लिए लाभदायक है। पिछले हफ्ते प्रदेश में हुए मावठे की बारिश से भी फसलों को फायदा हुआ है। चने में तना बिगलन रोग एसआर नामक कवक द्वारा होता है। इसे अंग्रेजी में कॉलर रांट कहते हैं। इसमें तने के आधार के पास रुई जैसा कवक जाल चारों ओर जम जाता है। तना वहीं से नब जाता है। इस रोग में पौधे अचानक सूखने लगते हैं। इसमें फसलों को औसतन 25-30% हानि हो जाती है। इसकी रोकथाम के लिए खेत की गहरी जुताई एवं बीज की देर से बुआई करनी चाहिए। रोग रोधी किस्में G24, अवरोधी पंत G114, S617, H335, JG315 का प्रयोग करना चाहिए। थायरम 2 ग्राम के साथ वोविस्टीन 1 ग्राम प्रति किलो की दर से बीज को उपचारित करें, या 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा विर्डी से प्रति किलो की दर से बीज उपचारित करके बोने से समुचित रोकथाम होती है। बकरी पालन के प्रति इस समय किसानों में रुचि बढ़ती ही जा रही है। बकरी एक बहुपयोगी पशु है, जिससे दूध, मांस, चमड़ा, खाद एवं रेशे प्राप्त किए जाते हैं। बकरी का दूध सुपाच्य एवं औषधीय गुणों से भरपूर होता है। बकरियों में गर्मी तथा जल की कमी को सहन करने की अद्भुत क्षमता होती है। बकरियों को पालने के लिए अत्यंत विशिष्ट एवं महंगे गृह निर्माण की आवश्यकता नहीं होती। भारत में बकरियों को, जिनमें जमुनापारी, बीटल, बाखारी, सुरती, मेहसाना, ब्लैक बंगाल एवं सिरोही आदि 20 प्रजातियां हैं, इसके अतिरिक्त स्थानीय बकरियां भी उपलब्ध होती हैं। बकरी पालन में कुछ प्रमुख सावधानियों की जरूरत होती है। पशुशाला की दिशा पूर्व पश्चिम होनी चाहिए। पशुशाला का फर्श समतल एवं ढलान लिए होना चाहिए। गर्मियों के लिए कच्ची मिट्टी का फर्श सबसे अच्छा होता है। चारागाह में बकरियों को बड़े जानवरों के साथ नहीं चराना चाहिए।
वर्तमान मौसम एवं तापमान के तेजी से गिरने की संभावना को देखते हुए किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने किसानों के लिए फसलों को पाले से बचाने की सलाह दी है। सलाह में कहा गया है कि रबी की फसलों को पाले से होने वाली क्षति से बचाने के लिए खेतों के चारों तरफ मेढ़ों पर कचरा जमा कर जलाना पाले से बचाव का सबसे आसान उपाय है। कचरा जलाने से उत्पन्न धुआं खेतों पर छतरी जैसा काम करता है तथा सतही तापक्रम बढ़ने से पौधों की आंतरिक शिराओं से भरे तरल को जमने से बचाता है। इस तरह फसल पर पाले का असर निष्प्रभावी हो जाता है। इसी प्रकार फसलों को हल्की सिंचाई देने से पाले का असर नहीं होता। जहां कहीं सिंचाई के लायक पानी उपलब्ध हो तथा फसल में सिंचाई का उचित समय भी हो वहां सिंचाई अवश्य करें। इसके अतिरिक्त सल्फ्यूरिक एसिड के घोल 1 लीटर पानी में 1 ml तनु सल्फ्यूरिक एसिड का छिड़काव करने से फसल को पाले के प्रकोप से बचाया जा सकता है। फिलहाल खबरें खेती में इतना ही। आप देखिए मंडी भाव। नमस्कार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिकर ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जा कर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, किसान भाइयों, इस समय रबी फसलों में सिंचाई का समय चल रहा है। सिंचाई के लिए उचित पंप का होना जरूरी है, जिससे कम समय में सही मात्रा में पानी का बहाव बना रहे। पंप के विषय में हमें और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ राकेश पालीवाल जी। जैसा कि आप सभी को पता है कि कृषि में हम सिंचाई के द्वारा फसलों का उत्पादन करते हैं और सिंचाई का मतलब यह है कि आर्टिफिशियल रूप से सब फसलों को पानी देना। उसमें मुख्यतः हम जो है विभिन्न प्रकार की विधियों का इस्तेमाल करते हैं सिंचाई की, जिसमें सिंचाई पंप और सिंचाई के अन्य उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। सिंचाई के लिए जो हम पंपों का इस्तेमाल करते हैं उसमें मुख्यतः कृषि में सेंट्रीफ्यूगल पंप का प्रयोग किया जाता है और सेंट्रीफ्यूगल पंप भी कई प्रकार के होते हैं। उसमें सिंगल सक्शन सेंट्रीफ्यूगल पंप है, डबल सक्शन सेंट्रीफ्यूगल पंप है, सबमर्सिबल पंप है, टरबाइन पंप है, जेट पंप है। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के पंप होते हैं और पंप का चयन किसानों को करने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उनको कितना पानी चाहिए, अर्थात पंप का डिस्चार्ज कितना है, लीटर प्रति मिनट या गैलन प्रति मिनट उनको कितना पानी चाहिए।
और उसका हेड कितना है, प्रेशर कितना है सिंचाई के लिए, तो वो दो चीज़ों की आवश्यकता होगी पंप का चयन के लिए। तत्पश्चात जो है हमें पंप का सिलेक्शन करना होता है कि किस साइज का और किस प्रकार के पंप का हमको चयन करना है और उसमें कौन सी मोटर लगेगी, कितने हॉर्स पावर की मोटर लगेगी, या अगर वो डीजल इंजन से चलित है तो कितने हॉर्स पावर की डीजल इंजन जो है उसमें उपयोग किया जाएगा। मैं आपको कई प्रकार के पंप यहाँ पर दिखाए हुए हैं चित्रों के द्वारा, मैं बता सकता हूँ ये कट सेक्शन है, ये मूलतः कृषि में प्रयोग किया जाने वाला पंप है, सिंगल सक्शन सेंट्रीफ्यूगल पंप है। ये जो ग्रीन कलर का हिस्सा है इसको हम केसिंग बोलते हैं, ये वाला जो हिस्सा है ये इनलेट है और ये वाला जो हिस्सा है ये आउटलेट है, यानी यहाँ से पानी सक्शन होगा, अंदर जाएगा कुएं से या बोर से और यहाँ से जो है पानी बाहर निकलता है। तो प्राय सक्शन का साइज ज़्यादा होता है, डिलीवरी का साइज जो है इसका व्यास कम होता है। जो लाल कलर का हिस्सा आप ये देख रहे हैं ये इम्पेलर है, ये महत्वपूर्ण इकाई है, इसके अलग अलग व्यास होते हैं और उस व्यास के हिसाब से पंप का डिस्चार्ज कम या ज़्यादा हो सकता है। इसको केसिंग कहते हैं, ये केसिंग के अंदर पंप को ड्राइव मिलती है ये इस शाफ्ट के द्वारा। तो यहाँ पर ये शाफ्ट लगी हुई है और इस शाफ्ट को जो है हम डीजल इंजन से या विद्युत की मोटर से हम इसको चला सकते हैं। यहाँ पर एक स्टफिंग बॉक्स होता है सीलिंग के लिए, यहाँ पर एक रबर की नमदे की एक जो है ग्लैंड रोप लगती होती है, ग्लैंड डोरी उसको हम बोलते हैं, वो यहाँ पर लगाई जाती है और उसको सही तरीके से उसको टाइट किया जाता है ताकि यहाँ से पानी का निकास ना हो और दूसरा यहाँ पर लुब्रिकेशन भी उसको थोड़ा बहुत मिलता रहे। तो इस तरह से ये एक पंप का सेक्शन है और इन चित्रों में आप देख सकते हो कि सेंट्रीफ्यूगल पंप का ये सिद्धांत दिखाया गया है कि किस तरह से मोटर के द्वारा या इंजन के द्वारा शाफ्ट को ड्राइव मिलेगी और इम्पेलर जब घूमता है तो पानी को सक करता है, चूँकि सक्शन पाइप में हमेशा पानी भरा होना चाहिए तभी जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है पानी को आगे बढ़ा पाएगा। अगर सक्शन लाइन में पानी नहीं होगा यहाँ पर तो पंप के चलाने के बावजूद भी यहाँ से आपको पानी नहीं मिलेगा। तो पहले सक्शन लाइन में या इनलेट पाइप में पूरी तरह से पानी भरा होना चाहिए, उसको हम प्राइमिंग बोलते हैं, तत्पश्चात ये आपका जो है पंप को हमको ड्राइव देना चाहिए। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये वाला हिस्सा पंप है और ये वाला हिस्सा इंजन है। ये 5 हॉर्स पावर का डीजल इंजन है जिसको हाथ से स्टार्ट किया जाता है और इस डीजल इंजन के द्वारा इस पंप को चाल मिलती है, ड्राइव मिलती है। यहाँ पर सक्शन पाइप लगा हुआ है, सक्शन पाइप से पानी आएगा और ये डिलीवरी पाइप से जो है पानी बाहर जाता है। तो ये एक इंजन के साथ चलने वाला सिंचाई पंप है, सेंट्रीफ्यूगल पंप है जैसा कि आपको पहले बताया गया था। इसके अंदर भी इम्पेलर है, शाफ्ट है, ग्लैंड रोप है, सारी चीजें हैं। और दूसरा एक पंप ये है, यहाँ पर एक अंतर आप देखेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर है, तो ये पंप वही है लेकिन यहाँ पर इस पंप को हम इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा चला रहे हैं। इलेक्ट्रिक मोटर को से यहाँ पर पंप की शाफ्ट रोटेट होगी और जो है सक्शन और डिलीवरी उसी तरह से होगी जिस तरह से पूर्व पंप में हुई है। तीसरे प्रकार की ड्राइव जो है यहाँ पर हम और देख सकते हैं, चूंकि आजकल किसानों के पास ट्रैक्टर और हर गाँव में लगभग मौजूद है तो ट्रैक्टर के पीछे पीटीओ शाफ्ट का बहुत ज्यादा उपयोग आजकल होता है उपकरणों को चलाने के लिए। तो ये ट्रैक्टर से चलने वाला पंप है, यहाँ पर ये 3 पॉइंट लिंकेज दिया हुआ है जिससे इसको जोड़ा जा सकता है और एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। इस शाफ्ट के द्वारा पीटीओ से इसको ड्राइव मिलती है और यहाँ से ये जो रेड कलर का हिस्सा आपको देख रहे हैं ये पूरा का पूरा एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है। इसका हाई डिस्चार्ज है ये पंप का, तो ये जो है लो हेड के लिए काम करेगा, जहां पर कम स्तर पर पानी उपलब्ध है वहां पर हम इसको चला सकते हैं और एक जगह से दूसरे स्थान को इसको ले जाया जा सकता है ट्रैक्टर के द्वारा और ट्रैक्टर के द्वारा ही इसको चलाया जाता है। तो इस तरह से ये अलग अलग प्रकार के चलने वाले पंप हो जाते हैं। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिकर ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी?
अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, यदि हम रासायनिक खाद का संतुलित मात्रा में उपयोग करें और जैविक खाद का भी उपयोग करें तो उत्पादन बढ़ा सकते हैं, साथ ही गुणवत्ता भी बढ़ा सकते हैं। इस पर हमें और अधिक विस्तार में जानकारी दे रहे हमारे विशेषज्ञ एस के चौहान। किसान भाइयों नमस्कार। जैसे लगातार देश की जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ हमें उसके उत्पादन की क्षमता को भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए एक उचित उर्वरक शक्ति की आवश्यकता है। इफको के प्रबंधक श्री एस के चौहान जी हैं, जो कि हमें उर्वरकों का सही उपयोग करना बताएंगे। ऐसा है कि ये बात सही है कि हमारे किसान भाई उर्वरकों का उपयोग तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही संतुलित मात्रा में उपयोग नहीं कर रहे हैं। उसके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि हम सबसे पहले जमीन का परीक्षण करा लें। जमीन का परीक्षण कराने के उपरांत हमें ये दिमाग में रखें कि हम कौन सी फसल लेने जा रहे हैं, उस फसल के हिसाब से हमें कौन कितनी मात्रा में उर्वरक चाहिएगा, इसका हम निश्चित कर लें जमीन के परीक्षण के उपरांत में, फिर ही हम उसका उपयोग करें। क्योंकि हमारे किसान भाई कर क्या रहे हैं कि अगर हम खेत में कोई भी फसल बुवाई करने के लिए जाते हैं तो हम सिर्फ या तो खाद को ऐसे ही डाल देते हैं, तो सबसे पहले तो ये उपयोग है कि हम DAP या जो हमें उर्वरक चाहिए जिस जमीन के परीक्षण के उपरांत जो हमारे पास परिणाम आए हैं, तो उस फसल के लिए कौन से उर्वरक की आवश्यकता है, उस उर्वरक का में कितनी मात्रा में उस फसल के लिए करना है। तो जब ये निश्चित हो जाए, जहाँ तक सीहोर जिले में देखा गया है कि यहाँ पर काफ़ी कुछ नमूनों में पोटास की स्तर भी काफ़ी निम्न हो गया है, फास्फोरस और नत्रजन पहले से ही कम था, अब सूक्ष्म तत्व भी जैसे काफ़ी कुछ मात्रा में कम होने लगे हैं, जैसे कि जिंक भी है कम होने लगा है, साथ साथ में हमारा सल्फर भी काफ़ी कुछ मात्रा में कम होने लगा है। तो हमें आवश्यक है कि हम इन सब तत्वों का समावेश अपनी फसल के उपयोग में करें तो हमारी पैदावार या उत्पादकता काफ़ी कुछ बढ़ जाएगी। चौहान जी, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं कि बहुत से किसान भाई जो लोग रहते हैं जो हमेशा पोटास की मात्रा अलग अलग खेतों में अलग अलग डालते हैं, पर उन्हें उचित मात्रा का ज्ञान नहीं रहता है, तो थोड़ा आप इन्हें किसान भाइयों को बताएं कि पोटास की कितनी मात्रा खेतों में उपयोग करना चाहिए और कितनी मात्रा उसमें डालना चाहिए जिससे पैदावार ज़्यादा बढ़ सके और अधिक से अधिक किसानों को लाभ हो सके। ये बहुत सारी फसलों, चाहे वो खरीफ की फसल हो, चाहे रबी की फसल हो, चाहे जायद की फसल हो, या हम कोई सब्जी ले रहे हों, उनके लिए पोटास की बहुत ज़्यादा सख्त आवश्यकता होती है। यह पोटास हमारे दूसरे तत्वों के उपयोग को भी काफ़ी कुछ बढ़ाता है, दूसरी तरफ इससे दाना हमारा मोटा, चमकीला और स्वस्थ होता है। तीसरी बात ये आती है कि इस पोटास के कारण हमारे पौधे में रोग और बीमारी या कीटे भी कम, क्योंकि इससे तना मोटा और स्वस्थ होता है, तो उनका भी अटैक या उसका भी उसके ऊपर नुकसान काफ़ी कुछ कम मात्रा में कर पाते हैं। तो पोटास बहुत आवश्यक है। तो पोटास को हम किसान भाई अभी उतनी मात्रा में नहीं डाल रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम जमीन का परीक्षण करा लें और उसके आधार पर अगर हम जैसे गेहूं की फसल लेने जा रहे हैं तो उसके लिए हमें 30 किलोग्राम पोटास चाहिए। अब बात आती है कि इस पोटास को हम दें किसके माध्यम से। जनरल ज़्यादातर हमारे जो किसान भाई या तो DAP का उपयोग कर रहे हैं या फिर सुपर फॉस्फेट का, क्योंकि इनमें ये इन दोनों खादों में ये पोटास तत्व उपलब्ध ही नहीं है। हमारे किसान भाई जब बाज़ार से ख़रीदने जाते हैं तो हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि इस खाद में तत्व कौन सा है, क्योंकि हम तत्व के आधार पर ही फसल को हम देने जा रहे हैं उस उर्वरक को। तो ये आवश्यक है कि जैसे म्यूरेटॉप पोटास है, उसका उपयोग DAP में मिलाने के बाद एक बोरी में कम से कम 15 से 20 किलो म्यूरेटॉप पोटास मिला लें, या फिर मिश्रित खाद आ रहे हैं जिसमें कि नत्रजन, स्फुर और पोटास वाले तीनों तत्व हमारे उसमें विद्यमान होते हैं, जैसे कि NPK के नाम से जो खाद आ रहे हैं वो विद्यमान होते हैं, उनका उपयोग बहुत ही आवश्यक है और ये हमारे किसान भाई नगण्य की तरह से ही इस्तेमाल पोटास का कर रहे हैं। तो मेरा किसानों से यही अनुरोध है, निवेदन है कि अगर DAP इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें पोटास आवश्यक रूप से मिलाएं, अगर सुपर फास्फेट का उपयोग कर रहे हैं तो भी हम उसमें म्यूरेट ऑफ पोटास को हम मिला करके बुवाई कर सकते हैं। दूसरा ये है कि हमारे किसान भाई जहाँ तक हो संभव वो मिश्रित खाद लें जिसमें कि तीनों तत्व उपलब्ध हों।
चौहान जी, मैं आपसे और ये बात पूछना चाहता हूँ कि आपकी जो संस्था है जो सीहोर जिले में किस प्रकार से काम कर रही है, जो किसान भाइयों को क्या क्या सुविधाएं मुहैया करा रही हैं, और कौन कौन सी खेतों में लगने वाली बीमारियां और उसके उपयोग होने वाली चीज़ों जैसे उर्वरकों का सही उपयोग करना कहाँ कहाँ जाकर वो अपना प्रशिक्षण देती है या सिखाती है, इसके बारे में थोड़ा आप मुझे बताएं। पहले तो मैं क्योंकि बताना चाहूँगा कि हमारे किसान भाई ज़्यादातर, मैं खास तौर से मालवा रीजन में ज़्यादातर देख रहा हूँ कि हमारे किसान भाई जैसे सोयाबीन में भी बुवाई होने के, सोयाबीन की बुवाई कर दी उसके बाद हम डीएपी का उपयोग हम ऊपर से खाद को छिड़क के देने की प्रथा है। ये मेरे हिसाब से या वैज्ञानिक तरीके से थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि इसका पूरा पूरा हमारी फसल उपयोग नहीं ले पाती है। तो मैं सबसे पहले तो किसान भाई से ये निवेदन करूँगा कि बुवाई वाले जो, चाहे वो सुपरफास्फेट हो, चाहे डीएपी हो, चाहे एनपीके हो, इन खादों का उपयोग ऊपर से खड़ी फसल में बिल्कुल ना करें। मेरा ये बिल्कुल निवेदन है, क्योंकि इससे हमारे सिर्फ एक तो फसल को फ़ायदा नहीं मिल रहा और हमारा पैसा भी काफ़ी ज़्यादा जाया हो रहा है। तो मेरा निवेदन है कि ये बहुत आवश्यक है कि हमारे इन बुवाई वाले खाद, चाहे सुपरफास्फेट हो, चाहे एनपीके हो, चाहे डीएपी हो, इनको बुवाई के समय ही दें, ऊपर से खड़ी फसल में इनका उपयोग ना करें। दूसरा निवेदन ये है कि यूरिया का उपयोग, मैं देखता हूं कि जिनके पास पानी पर्याप्त है वो, जैसे अभी मैं देख रहा हूं कुछ किसान भाई गेहूं की खेती में तीन बार चार बार भी यूरिया, जब भी पानी देंगे ऊपर, या तो गेहूं की फसल में भी अगर यूरिया देना है तो अगर पानी हमारे पास पर्याप्त है तो दो बार में दें और उसके बाद ना दें, या 60 दिन से ज़्यादा की फसल होने के बाद उसमें यूरिया का उपयोग ना करें। तीसरी बात मैं कि जैसे जिंक की और सल्फर की बात की थी, तो उसके उपयोग के लिए ये आवश्यक है कि दो तीन साल में एक बार 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर आवश्यक रूप से डालें, जहां जिन खेतों में जिंक की कमी है। इसी तरह से सल्फर की अगर कमी है तो जिप्सम या फॉस्फोजिप्सम का उपयोग, हमारे किसान भाई 250 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से इसका उपयोग खेत की तैयारी से पहले करके फिर बखरनी करें और उसके बाद फिर ओरने वाले जो उर्वरक हैं उनकी बुवाई करें, फिर हम बीज को बोएं। दूसरा एक और सबसे बड़ी जो यहाँ समस्या है कि हमारे किसान भाई खाद को और बीज को मिला के बोते हैं, ये भी थोड़ा सा वैज्ञानिक तरीके से ठीक नहीं है। हमारे इसमें एक तो बीज की मात्रा भी ज़्यादा लगती है, क्योंकि जो खाद और बीज के साथ उर्वरक गिरेगा, तो खाद और बीज के साथ जो उर्वरक गिरेगा तो बीज भी हमारा जैसे उसमें नुकसान होता है। दूसरा यह है कि उर्वरक का उपयोग भी सही पूरी मात्रा में नहीं हो पाता, क्योंकि जड़ें हमारी, ये जो हमारा पौधा है वो हमारा जड़ों से लेता है और हमारा जड़ें नीचे जाती हैं, इसका कारण से उसका पूरा पूरा उपयोग नहीं हो पाता। तो अतः मेरा किसान भाई से निवेदन है कि बुवाई वाले खाद सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल से ही बुवाई करें तो ज़्यादा उचित होगा। कीटनाशक और आज खाद भी, अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा, और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल, इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। हाँ मैं ऐसे ही करूँगा। हाँ अच्छा मैं जा रहा हूँ। अच्छा जी 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 हाँ ठीक है। जी 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 किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधित समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1800-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
किसान भाइयों, हमें पूरा विश्वास है आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम को लेकर आपके मन में जो भी विचार है आप हमें इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462013। तो अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।